देखिए गाइस मुझे आज क्या मिला। ये है मेरे प्रेगनेंसी के टाइम की, मैं डायरी एक मेंटेन करती थी तो वो डायरी आज मुझे मिली है। ये खाली है मैंने क्योंकि सोचा था कि कुछ इसमें लिखूंगी, और ये थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से ट्राइमेस्टर में मुझे कैसा फील हो रहा था। जी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर की जाए, बिकॉज मे बी हो सकता है कोई आप में से कोई हो जिनके घर में प्रेग्नेंट वुमेन हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन देख रही हो, प्रेग्नेंट लेडी देख रही हो, सो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो आई थॉट क्यों ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक प्लान्ड और अनप्लान्ड, तो येस इट वॉज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। मतलब हमें ऐसे 1 month तक हमें पता ही नहीं था कि लाइक आई एम प्रेग्नेंट। और जिस टाइम पे बोलते हैं सब लोग कि बहुत ज़्यादा ऐसे केयर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए, वो टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग, हर चीज़ के मतलब करती थी, बिकॉज थोड़ा बहुत मैं उस टाइम पे फिटनेस फ्रीक थी काइंड ऑफ। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज कर रही हूँ, साइकिलिंग, रनिंग, सब। बट व्हेन आई मिस माय पीरियड, सो लाइक उसके बाद हमने चेक किया एंड मतलब आई कंसीव। सो पहले तो हम दोनों इमोशनल हो गए काफ़ी, उसके बाद देन हमने डिसाइड किया देन ओके वी विल हैव इट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ अपने, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज प्रिटी टफ फॉर मी, बिकॉज उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नॉजिया होता था, मुझे बहुत स्मेल लगता था, जैसे मुझे कोई मसाले वाला स्पाइसी चिकन या फिर मतलब नॉन वेज का कोई भी मुझे ऐसा आइटम दिखता था तो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा नौजिया फील होता था। उसके बाद थोड़ा 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 करके मेरे से एक्चुअली हुआ ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी मेडिसिन लेते थे वो मेडिसिन भी मैं खा नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे ही मैं मेडिसिन लेती थी एकदम से जितना भी मैंने खाया होता था थोड़ा बहुत वो सब एकदम मैं वॉमिट कर देती थी। तो लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इतना टफ था मेरे लिए कि मैंने इतना ज़्यादा वेट लूज कर दिया था, बिकॉज मैं पानी पी रही हूँ वो भी वॉमिट हो जाता था, खाना खा रही हूँ वो भी वॉमिट, दवाई जो ज़रूरी होती है उस टाइम के लिए वो दवाई भी मैं वॉमिट कर देती थी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उस टाइम पे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ था। लाइक वो मुझे लगता था कि कब तो भी मुझे ये कैसा फील होगा, सोचो कि कुछ भी स्मेल हो रही है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग वॉमिटिंग, मतलब हर चीज़ में ऐसा लगता था कि कोई मुझसे कुछ बोले ना वरना मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। एंड अगर मैं कुछ अपनी स्पेसिफिक बोलूँ कि मुझे क्या पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन करता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कोई स्पेसिफिक खाने का मन करता था, मुझे बस ऐसा था कि मुझे कोई स्पाइसी खाना मत दो, मुझे बॉयल खाना दे दो जिसमें नमक डाल दो, बस मुझे कोई स्पाइसी खाने का मन नहीं करता था, ना ही मुझे स्वीट खाने का मन करता था। मुझे बस ऐसा था कि कोई बिल्कुल सादा खाना मुझे दे दे। तो आई मोस्टली प्रिफर्ड दलिया, मुझे बहुत अच्छा लगता था, दलिया हो गया, ऐसे जनरली ऐसे खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा सादा खाना खाने की मतलब खाया ही है ऑलमोस्ट तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम ये। एंड देन और मुश्किल ये हुई कि मेरे को वैसे भी मेरा बीपी बहुत लो रहता है, और प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि लाइक और ज़्यादा बीपी डाउन हो जाता है, तो ये सोचो मेरा पहले से ही बीपी डाउन था, उसके बाद मेरा और ज़्यादा लो हो गया बीपी, तो मोस्टली मुझे चक्कर आते थे, मतलब मैं खड़े होती थी किचन में तो मुझे उस टाइम पे भी चक्कर आने लगते थे। मतलब और हुआ ये कि लाइक मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वो था मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे में, और इस टाइम पे एकदम पीक गर्मी होती है, तो इतनी पीक गर्मी में स्वेटिंग हो रही है, कुछ चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, इतना एक्सेस में मेरे को मेरा ओवरऑल बॉडी का सारा नरिशमेंट चला गया एक समझ लो, तो बहुत ज़्यादा मेरे वीक हो गई थी मैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो फिर हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना पता ही नहीं लगा, बस थोड़ा सा उस टाइम पे ये होता था कि ऐसा बार बार ही यूरिनेशन होता था, बार बार ही हमें वॉशरूम जाना पड़ता था, वो टाइम बस ये था, अदरवाइज ऐसा स्मूथ निकला सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ऐसा बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं थे।
और अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो यस, उस सेकेंड ट्राइमेस्टर से आई गेस हम लोगों ने आयरन कैल्शियम स्टार्ट कर दिया था। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि जनरली गायनो मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो मतलब कोशिश करो कि आप या तो चेंज ना करो ज़्यादा गायनो, मीन्स स्टार्टिंग से इसी एक पे जाओ तो कंटिन्यू उन्हीं पे ही जाओ। क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि जनरली ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छे हमें मिले ही नहीं, मतलब कोई ऐसे बात कर रहा है, कोई ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि जो कुछ कुछ ऐसे थे जो डॉक्टर सीधे ऐसे, जैसे उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये लोग तो 50 प्रेगनेंसी कर चुके हैं तो क्या, अरे होता है नहीं होता है, अरे कुछ नहीं होता है, आप लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो। एंड देन मतलब अब अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है या क्या होगा, क्योंकि जनरली कॉन्शियस हो जाते हो आप अगेन अपनी हेल्थ को लेके, अपने बेबी की हेल्थ को लेके, तो कोई ऐसा समझाए एटलीस्ट कि ऐसा हो रहा है, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं, आगे ऐसा होगा और कुछ इश्यूज होंगे, कोई ऐसा समझाए तो दैट्स ओके ना। अदरवाइज कुछ कुछ तो ऐसे, क्या है तुम लोगों का ऐसा चलता है, आप बच्चे, तुम लोगों आजकल के बच्चे हो, ये है वो पहले के बच्चे, तो डॉक्टर्स भी ऐसा बोलेंगे तो फिर तो हम लोग कहाँ ही जाएंगे। खैर तो हाँ, मुझे काफ़ी स्विच करना पड़ा, एक गायनो फिर दूसरी गायनो, मीन्स मैंने जिस लास्ट जो जहाँ पे डिलीवरी हुई वो 5th गायनो थी मेरी। एंड देन उन्होंने, हम कन्विंस हो गए थे उनसे बात करके, इसलिए मतलब लास्ट में हमने उन्हीं पे ही ट्रस्ट करके फिर वहीं पे हमने डिलीवरी हुई। एंड बाय द वे नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटायरली पूरी प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की, मतलब मुझे आते थे चक्कर काफ़ी, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बहुत ऐसा डिजीनेस फील होता था, नॉजिया जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे लो बीपी हो जाता था। बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, आपको करना है काम, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि लेटे रहेंगे तो भी इशू है ना, बिल्कुल पूरा काम तो करना ही है, अपना बॉडी को फिट रखना है ताकि आगे का जो भी ट्राइमेस्टर्स हैं या डिलीवरी है वो सब भी आप कोप अप कर सको। तो हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा बेड रेस्ट ना ही लूँ, बट होता ये था कि बहुत नींद आती थी। जनरली ऐसा होता था कि रात भर, एक तो होता ही है कि नींद किस डायरेक्शन में सोना है या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सोना है, उस चक्कर में होता था कि नींद दूसरी डायरेक्शन में आ रही, क्योंकि पता नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ तो पता नहीं, बट मेरे को ऐसा स्ट्रेट सोने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर स्टमक के उस पे उल्टा होके सोने का। और मेरे लिए फिर प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि सीधा सोना ठीक है सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी लोग कर लेते हैं सीधा सोना, बट मैंने थोड़ा अवॉइड ही किया। आई थॉट पता नहीं, अब फर्स्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा हम प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो वो फिर मुझे एक तरफ सिर्फ लेफ्ट साइड करके सोना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम एडजस्ट करना स्लीपिंग पैटर्न को, और फिर मॉर्निंग में नींद आती थी तो थोड़ा यही हो जाता था कि मुश्किल हो जाता था, क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, डिजीनेस फील हो रही है, और पर आप मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ रेस्ट ही करना है हमें, तो थोड़ा मुश्किल था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में तो बहुत ही ख़त्म, मतलब ज़्यादा ही मेरी तबीयत वो ख़राब हो गई थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जस्ट बिकॉज वॉमिटिंग नहीं होती थी तो एटलीस्ट ये था खाना खाते थे तो वो बॉडी पे लग रहा है करके। तो डॉक्टर की बात करूँ तो मुझे फिर 5th डॉक्टर जो थी वो बहुत अच्छे मिली, तो हमने उनसे कंटिन्यू किया बात की उनने उनसे। एक और इश्यू जो हमारी प्रेगनेंसी में ये आया था कि एक हमने आप एक टेस्ट आई थिंक 12 वीक में होता है, आई डोंट नो अंडर मतलब मैं भूल गई हूँ, आई थिंक 12 से 14 वीक के बीच में एक डुल मार्कर करके टेस्ट होता है। डुल मार्कर में बेसिकली वो सारे बेबी के कोई चीज़ में कमी है, कोई चीज़ में कमी आ सकती है इन फ्यूचर, ये सारे टेस्ट वो टेस्ट में पता लगता है एक्चुअली। तो उससे पहले जिस डॉक्टर में मैं थी उन्होंने ऐसा हमें बताया नहीं कि ऐसा भी टेस्ट आपको करना होता है, तो वो हमारा टेस्ट मिस हो गया था। उस वजह से हमने आई थिंक 18th वीक में और समथिंग में कोई लेवल 2 करके अल्ट्रासाउंड था, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हमने करवाया, उसमें जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में ऐसा था डाउन सिंड्रोम उसमें इशू आया, दैट ये डाउन सिंड्रोम इसमें है बेबी में।
सो वो टाइम पे काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती है कि ये चीज़ की वजह से, मतलब उसमें ये होता है ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, उसकी स्पीच डिले हो सकती है, मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है वो प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, ऐसा तो उसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, बट एक वाइड रेंज है कि क्या क्या चीज़ें उसकी इंक्लूड होती हैं। सो फिर उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी, हम लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो गई थी चीज़ें, क्योंकि 18th week हो गया था आई गेस, और उस बाद उसके बाद ऐसा चीज़ हमें मिली, सो टेस्ट में आया, सो वो काफ़ी हमारे लिए स्ट्रेसफुल था, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे टेस्ट करवाएंगे, आई मीन डुअल मार्क जो लेवल 2 में ये आया था टेस्ट, इसके बाद एक एमिनियोसिंथेसिस करके टेस्ट होता है, तो एमनियो उसमें क्या होता है, जो हमारा फ्लूड होता है एमनियोटिक फ्लूड, उस फ्लूड का टेस्ट होता है, क्योंकि वो बेसिकली बेबी का ही उसमें क्या कह सकते हो आप, सेल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, तो उन सेल्स को वो टेस्ट करते हैं डायरेक्टली, और उस सेल में डिटेक्ट करने के बाद अगर उन्हें कोई इश्यू लगता है तो देन वो सारा ही कुछ पता लग जाता है, अदरवाइज नहीं होता है तो नहीं होता है। सो वो फिर हम दिल्ली करने गए थे, क्योंकि वो यहाँ ऐसे रामनगर में नहीं, कहीं पे भी नहीं हो रहा था, तो वो दिल्ली में था, फिर हम लोग दिल्ली गए उस टाइम पे, फिर दिल्ली में हमने वो टेस्ट करवाया, तो उस टेस्ट को जब हमने करवाया तो उसमें बेसिकली होता है ये कि जो एमनियोटिक फ्लूड होता है उस फ्लूड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेबी के, वो बेबी के सेल्स को ही डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं और उसी का टेस्ट करते हैं, उसमें से जो भी रिजल्ट आता है फिर वो पता लग जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो लाइक अगर वो 99.9% एक्यूरेट है, आई मीन अगर उसमें कोई रिपोर्ट आती है और वो है, तो वो 99.9% उसमें उसकी एक्यूरेसी है, तो हमने कहा नहीं हम इसी के लिए जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी दिमाग में सेकेंड थॉट चले तो वो भी चीज़ ठीक नहीं होती है कि डाउन सिंड्रोम है क्या करें क्या नहीं करें, तो हमने कहा हम ये टेस्ट करवाएंगे, इट वाज एक्सपेंसिव टेस्ट बट इट्स ओके, हम लोगों ने उसको करवाया दिल्ली में, उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो हम काफ़ी ऐसे नर्वस थे कि क्या रिपोर्ट में आने वाला है, बट मतलब लकीली सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, हम लोगों को मतलब हम लोग बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, लाइक वो रिपोर्ट में एकदम डाउन सिंड्रोम आ रहा है, वो भी ठीक ठाक परसेंटेज का डाउन सिंड्रोम, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोग जाके नहीं बोले उधर रिपोर्ट वालों को, बट ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किसी दूसरे की रिपोर्ट हमारे को पेस्ट कर दी है, क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड है, उन्होंने भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि लाइक उनको बताया पर्टिकुलर डाउन सिंड्रोम है, देन उन्होंने भी टेस्ट करवाया और फिर देखा रिपोर्ट में कुछ नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है, बट हम लोगों के लिए वो काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था कि हमारे को रिपोर्ट ऐसी दिखी, बट चलो ठीक है, लकीली वो रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो फिर हमारे लिए वो वापस से, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का ये एक बड़ा थोड़ा सा फेज था कि एकदम से हम लोगों को, हम काफ़ी परेशान हो गए थे कि क्या चीज़ करें क्या नहीं करें, तो अदरवाइज फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ भी इशू नहीं था। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर ये होता ही है कि थोड़ा शेप, बॉडी शेप चेंज होने लगता है, प्रॉपर बैक एक होने लगता है, हिप जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, हालांकि मैं पूरा प्रॉपर सुबह उठ के योगा करती थी, दिन भर काम करती थी, तो उसके बाद इतना ज़्यादा मुझे नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत मतलब होता है कि स्टिल कितना भी तुम एक्सरसाइज कर लो ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सोच कि नहीं कुछ पेन नहीं होगा, बट पेन होता है, तो उसके बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आए तो क्योंकि बॉडी शेप ऐसा चेंज हो जाता है, हर बार ही यूरिनेशन का इशू है, और उठ रहे हैं सो रहे हैं, बैठने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, लेटने में प्रॉब्लम, नींद नहीं आ रही है, नींद मतलब आ रही है तो बेबी क्योंकि किक करने का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही, थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो फिर बेबी किक कर रहा है वो भी, उसमें भी हमें फिर थोड़ा रहता है, तो हालांकि मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं सो जाती थी तो उसके बाद ऐसा किक वाला इशू नहीं था, बट डे वाइज में भी हाँ इतने इतना ज़्यादा तीसी ने इतना ज़्यादा ऐसा किक नहीं किया पेट में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे किक नहीं करती थी, बट हाँ कभी कभी कुछ ऐसा पर्टिकुलर खाना खाया तो देन वो किक करते हैं, तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी मेरे को इशू होने लगा था वही अगेन, क्योंकि वॉक करने में मुश्किल हो रहा है, वॉक करने क्योंकि उस टाइम तक आ गई थी थोड़ा सा मतलब विंटर आने लगा था,
ठंडी आ गई थी उस टाइम तक, तो काफ़ी एक तो वो इशू हो रहा था, हाथों में स्वेलिंग हो गई थी मेरे, हाथ में और पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, थोड़ा सा भी मैं वॉक करती थी तो स्वेलिंग के कारण काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो हाथों में स्वेलिंग होती थी कंटिन्यूअस। अदरवाइज ऐसा कुछ इशू ज़्यादा था नहीं था, अगर मैं ट्राइमेस्टर की बात करूँ, जस्ट वही जो नॉर्मल मेरे ख्याल हर प्रेग्नेंट वुमेन को सेम फील होता है कि उठना है, बैठना है, चलना कैसे है, और बार बार ही यूरिनेशन के लिए प्रॉब्लम, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, वो ही थोड़ा एक इशू होता है, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। एंड देन लास्ट लास्ट मोमेंट का तो इशू है ही, खैर उस टाइम पे क्योंकि जब बेबी पुश करने लगता है तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपने अभी तक सर्च तो कर ही लिया होगा कि कैसे डिलीवरी के टाइम पे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल मैं दिन में हम लोगों ने लंच प्रिपेयर किया था, मैंने लंच बनाया था, और लंच बनाने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा सा 2-3 दिन से तो हो रहा था, बट बहुत हल्का हल्का ऐसा पेन हो रहा था, बट दिन में लंच किया, उसके बाद थोड़ा मैंने हल्दी वाला दूध पिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होने लगा, 5-5 मिनट में, 5-5 मिनट में। तो मैं उस टाइम पे ही उस पेन को सोच रही थी कि ये तो मेरे ख्याल से डिलीवरी का ही पेन है अब ऐसा। और देन मेरी जो ननद है, बड़ी दीदी, तो उनसे भी फ़ोन में कंटिन्यूस हम कांटेक्ट में रहते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उस टाइम जब पेन होगा तो वो आप बात भी नहीं कर पाओगे। तो आई थॉट वो हाँ, मतलब मुझे उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं बस यही है यही है, बट अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि वो तो सच में कुछ भी पेन नहीं था। बट यस, उस टाइम पे मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसकी होती तो उसको तो वैसे कोई कंपेयर करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो उनके लिए तो वही था कि लाइक यही बस जो है यही है पेन है, बस जल्दी से ही ख़त्म हो। सो ऑन दैट डे हम हॉस्पिटल गए, दिन में तो हो गया था पेन स्टार्ट, तो हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो उस टाइम थे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे डेट दी थी उस डेट से हम पहले ही, मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले ही हम अभी हॉस्पिटल चले गए थे, तो वो हॉस्पिटल थी नहीं, हॉस्पिटल में नहीं थे, वो अपने किसी काम से बाहर गए थे। तो मुझे तो काफ़ी पेन हो ही रहा था, और बार बार ही टिश्यू पुश कर रही थी, तो वो एकदम से ऐसा पीक पेन होता है, तो मैं एकदम से कभी कभी ऐसे चिल्लाने लगती थी एकदम से सेकंड्स के लिए। तो शिवा को भी ऑब्वियसली कि ऐसा होता था कि उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे मुझे काम डाउन करे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सहना तो खैर है ही तो मुझे या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, बट सामने वाला जो होता है वो भी इतना ही परेशान होता है, क्योंकि वो परेशान देख नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसीलिए वो भी काफ़ी, उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है वो कंडीशन। तो मैं मम्मी और शिवा हम तीनों गए थे हॉस्पिटल उस टाइम, तो शाम में तो उन्होंने मना कर दिया एडमिट करने के लिए, उन्होंने चेक किया प्रॉपर कि उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है टाइम, तो मतलब इतना अभी टाइम नहीं हुआ है डिलीवरी का, तो आप एक दिन का और गैप मतलब एक दिन और रुको। तो उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, बिकॉज मुझे पेन होता जा रहा था, कंटिन्यूअस पेन हो रहा था, कंटिन्यूअस मतलब वही हर 3 मिनट में फिर वापस, तो मतलब वो कंडीशन मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, इतनी ज़्यादा लाइक मतलब मैं इसे इमेजिन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको पिंच कर रहा है, कोई आपको कुछ भी लाइक कुछ भी आप इमेजिन करोगे जिससे पेन हो सकता है, और वो पेन आपको पता है कि हर 2-3 मिनट में आएगा ही, तो वो जो आने का वेट होता है जिस टाइम पे पेन नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ का टेंशन या स्ट्रेस रहता है कि बस अभी आने वाला है नेक्स्ट, ये जो पेन है वो नेक्स्ट आने वाला है, बस अभी फिर आने वाला है फिर। तो वो पूरी रात मुझे सिर्फ वॉमिटिंग हुई, पेन हुआ, नींद आई नहीं, तो वो पूरी रात मेरी ऐसे ही निकली। और मम्मी भी काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि उनको भी लग रहा था लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा मुझे, और मुझे इतना ज़्यादा कंटिन्यूअस वॉशरूम जाना होता था, मतलब मैं वॉमिट कर रही हूँ वॉशरूम जा रही हूँ वॉमिट कर रही हूँ, आई डोंट नो पानी कहाँ से आ रहा है, मैं तो पानी भी नहीं पी रही थी क्या, बट यस, तो वॉशरूम जा रही हूँ वॉमिटिंग कर रही हूँ पेन, फिर मैं वॉक कर रही हूँ थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब वो रात मुझे नींद आई नहीं बिल्कुल भी। और सुबह हम 6 बजे हॉस्पिटल चले गए, मैंने कहा मैं नहीं सह सकती है, मेरे को मुझे लगता है कि
ये पेन अभी मतलब हो रहा है टाइम, तो मुझे फिर से लग रहा था कि ये तो टाइम हो गया है, अब डिलीवरी का टाइम हो गया है। सुबह की मॉर्निंग हम हॉस्पिटल चले गए थे तो उन्होंने एडमिट कर लिया था। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। और मुझे उस टाइम लग रहा था कि मतलब अब क्या जान लोगे क्या, अब इतना तो पेन हो रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या। तो फिर उन्होंने फिर दर्द के लिए जो इंजेक्शन होता है वो लगाया इंजेक्शन। उसके बाद तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि मतलब कोई उसको शायद आप वर्ड्स में नहीं इमेजिन मतलब वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि आपको कैसा कंटिन्यूअस पेन होता जा रहा है, और कंटिन्यूअस पेन होता जा रहा है, और बेबी भी पुश कर रहा है नीचे, उसको भी परेशानी हो रही है, दोनों को परेशानी हो रही है, वो पुश कर रहा है, मतलब मुझे वॉमिटिंग अलग हो रही है। कभी कभी डॉक्टर ने बोला कि किसी किसी को होता है जैसे ज़्यादा पेन होने लगता है तो वॉमिटिंग आती है, तो मुझे वो वॉमिटिंग, मैंने कुछ खाया नहीं है रात भर से, मैंने पानी तक पिया नहीं है, और जो थोड़ा बहुत अगर जैसे शिवा जूस लेके आ रहा था मेरे लिए तो वो जूस भी मेरा एकदम से ही बाहर आ जा रहा था। तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे वो उस टाइम वीक होने लग गई थी मैं वापस, कि मतलब एनर्जी थोड़ी 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 करके डाउन हो रही है, अलग से कंटिन्यूअस पेन, मेरे को पता भी नहीं है मैं क्या बोल रही थी, मैं कंटिन्यूअस बोलती जा रही थी कुछ कुछ, मम्मी शिवा बेबी पता नहीं क्या क्या मैं बोलती जा रही थी। तो उस टाइम पे हम पूजा के यहाँ पे रुके थे रात भर, और पूजा और गुरु भाई भी थे वहाँ, पूजा भी हॉस्पिटल आई थी देखने के लिए। उसके बाद आई थिंक 6 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक कंटिन्यूअस मैं उसी कंटिन्यूअस वाले पेन में थी। मैं चल रही हूँ, मैं क्योंकि लेट रहे हैं तो लेटते तो और ज़्यादा आपको फील होता है कि क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो ध्यान सिर्फ पेन में है, तो और ज़्यादा तो, और मैं वॉक कर रही हूँ तो एनर्जी नहीं है क्योंकि बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं है रात भर से, और अभी भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो मतलब वॉक भी करने की वो एनर्जी नहीं बच रही है। और क्योंकि जो उनके नर्स थे वो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ी एनर्जी बचा के रखना क्योंकि लास्ट में भी पुश करना है, तो वो मतलब ऐसा हो रहा था कि हमको लग रहा था कि अच्छा ओके अब ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इतना और लेवल पे आपको काम करना है। तो वो अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं बस यही है, ले जाओ मुझे ले जाओ, मैं कंटिन्यूअस बोल रही थी डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को टाइम हो गया है, मैं मर जाऊँगी नहीं तो ऐसे ही मर जाऊँगी मुझे लगता है। तो फिर काफ़ी ऐसे मैं रोने भी लगी थी एक टाइम पे कि मतलब वो बिल्कुल ही पेन बेयर नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन ऐसा लगता था काट दो मुझे मार दो ऐसे करके सब कुछ। सो फिर फाइनली आई थिंक 11 बजे डॉक्टर मतलब आए, जो असिस्टेंट आए थे उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा ओके अभी डिलीवरी रूम पे इन्हें लेके जाते हैं। तो फिर उस डिलीवरी रूम में जाने के बाद तो उन्होंने बोला ऐसे पुश करो, तो मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कि मतलब पुश करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उन्होंने कहा जितनी जाना है उतनी जगह जाने ही नहीं थी बची। फिर आई थिंक कोई जो उनके साथ जो भी डॉक्टर के साथ रहते हैं उन्होंने नर्स थी जो शायद आई थिंक नर्स ने फिर ऐसे कुछ को भी 2-3 ड्रॉप ऐसे मुझे पानी की ऐसे करके पिलाई, तो 2-3 ड्रॉप करके, और फिर मैंने जितनी जान उन्होंने कहा बेबी को देखो बस वो निकलने वाला है, बेबी बाहर आने वाला है, आपको पुश करना पड़ेगा नहीं तो वो बीच में फंस जाएगा ऐसे करके। तो फिर वो टाइम पे जितनी भी जान मेरे अंदर बची हुई थी वो सारी मैंने लगाई, और वो मोमेंट में जो रिलीफ मिला उसके बाद मतलब जब तीसी ऐसे बाहर आ गई तो वो जो रिलीफ था मतलब ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी तो कोई मतलब रिलैक्स नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ रिलैक्स, खुशी तो मैं क्या बोलूँगी, खुशी तो शायद देख के या मिल के या कुछ, बट वो जो रिलीफ था पेन का कि हो गया है मतलब फिनिश अभी, तो वो जो रिलीफ था उससे ज़्यादा रिलीफ मेरे ख्याल लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तो वो रिलीफ जो मिला मुझे उसके बाद, मैं सबको थैंक्स बोल रही हूँ, मुझे होश नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली एनेस्थेटिक लगे हुए थे सारे, एनेस्थीजिया लगे हुआ था सारा कुछ, तो मैं सारा उनको थैंक्स बोल रही हूँ, नर्सेस को प्लीज़ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू, वो कह रहे हैं इट्स ओके मैं नहीं 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 थैंक यू सो मच, मैं डॉक्टर को भी थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू सो मच। तो वो भी फिर कह रहे थे कि आपने बहुत ऐसे हिम्मत दिखाई काफ़ी, वरना आजकल ऐसे करते ही नहीं है, जनरली लोग बोलते हैं ऑपरेशन कर लो, और ऐसा नहीं है कि लाइक ऑपरेशन भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि वो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो उस टाइम तक सही लगता है, उस टाइम तक इजी लगता है, बट आफ्टर ऑपरेशन जो उसके बाद का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो
इजी वो डिसीजन भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़े तो मींस उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते. तो यस, तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि नहीं, आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई. और सो लाइक फाइनली टिश्यू हो गई, मैंने उसे देखा. सो इट वॉज सो, मतलब उस टाइम रिलीफ था, खुशी थी कि ओके फाइनली, मतलब इतने 9 महीने से वेट कर रहे हैं, तो लाइक वो आउटपुट बोल लो आप, आउटपुट आ गया. तो बस, तो काफ़ी खुशी थी. शिवा को दिया डॉक्टर ने सबसे पहले, तो वो बिल्कुल आँख खोल के ऐसे देख रही थी. वो रोई भी नहीं, उसने ऐसे आँख खोल के देख रही है जैसे अच्छा सही जगह आ गई हूँ मैं वापस अभी. तो बस, तो वो देख रही थी इधर उधर ऐसे करके. अच्छा, उसने फिर डॉक्टर, फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने ही कहा, मैंने कहा ये रो नहीं रही है भाई, तो फिर वो मेरे बगल में लेटी थी. तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने उसका ऐसे पाँव में या कुछ तो भी ऐसे किया, तो वो रोने लगी. बस फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी, तो 11 बजे हमारी, 11:10 पे टिशी हो गई थी. हम लोग अराउंड 7 बजे वहाँ से निकल गए थे हॉस्पिटल से. काफ़ी वीक लग रही थी मैं, क्योंकि एकदम से जो बैक होती है वो बहुत ज़्यादा वो मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है बैक को, क्योंकि आपका जो बॉडी पोस्चर होता है काफ़ी टाइम से चेंज हो चुका है. जो आपकी बैकबोन है वो काफ़ी बेंड हो जाती है, एंड देन सडनली जब पूरा बॉडी का वेट गिर जाता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है. तो ऐसे खड़े होते ही साथ ऐसा लग रहा था कि आप फोल्ड हो जाओगे, ऐसे पूरी जो बैक है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगी ऐसा लग रहा था. मतलब सीधा खड़े होने के लिए आपको ऐसे किसी ना किसी चीज़ में ऐसे कमर लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बैक ही पूरी बेंड हो गई थी. हो जाती है मतलब डिलीवरी तक पूरी. तो थोड़ा था मुश्किल ऐसे वॉक करने में, थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे. बट घर पे भी एक्चुअली यहाँ पे दादाजी थे और डैडी घर पे ही थे, तो फिर उनके लिए भी खाना बनाना का इश्यू था. प्लस ये था हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा था चीज़ों में, तो ऐसा लग रहा था हाइजीन नहीं समझ आ रहा था हमें. तो हमने कहा ओके हम घर जाएंगे. तो हम लोग शाम को ही घर आ गए थे फिर वापस. फिर रूम में सारा हमने फैसिलिटी मतलब कर रखा था सारा कुछ. फिर बस उसके बाद इशू ये हुआ कि तीशी, मेरा जो ब्लड ग्रुप है और तीशी का जो ब्लड ग्रुप है वो इस तरीके से है कि उसको जॉन्डिस का इशू होना ही होना है. तो मेरे ब्लड ग्रुप और तीशी के ब्लड ग्रुप के वजह से हमारा, क्योंकि मैच नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको जॉन्डिस हो गया. काफ़ी ठीक ठाक परसेंटेज का जॉन्डिस उसको हो गया, और ये हमें पता लगा जब थोड़ा ज़्यादा उबड़ गया था. आई थिंक तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने कहा मुझे इसकी आईज थोड़ी येलो येलो लग रही है. सो तो फिर क्योंकि किसी को भी ऐसा पता नहीं था कि ऐसे जॉन्डिस भी हो सकता है, और एक्चुअली हुआ कि डिलीवरी के 2-3 दिन कंटिन्यूस बारिश हुई, बिल्कुल सनलाइट नहीं थी, प्लस वो ठंडियों का टाइम था, तो हम लोग एकदम बाहर भी लेके नहीं गए किसी को। तो शायद रीज़न ये होगा, या फिर जो मैं मानती हूँ वैसे ये रीज़न के अलावा, दैट ब्लड ग्रुप अगर मदर और डॉटर का हमारा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना दैट उसको जॉन्डिस हो नहीं था, तो वो डॉक्टर्स ने भी बोला कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप इस हिसाब से ही उसको जॉन्डिस होता ही। सो वो 3 दिन तक फिर अगेन लैब उसमें थी, डॉक्टर के पास थी, और उसको प्रॉपर पूरी जो लाइट के अंदर रखा गया, आई थिंक उसे तो उसको एक्चुअली फोटोथेरेपी दी, उसको प्रॉपर लाइट्स में पूरा कंटिन्यूस रखा जाता था, 3 दिन तक उसे कंटिन्यूस लाइट में रखा गया, जिस वजह से एक्चुअली, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्म कैबिन था, चैम्बर था एक्चुअली, कैबिन तो नहीं, वो इतना ज़्यादा गर्म चैम्बर था कि उसकी पूरी बॉडी में हीट रैश हो गया था, पूरी बॉडी, नेक में रेड हो गया था, चीक्स में रेड हो गया था, पूरी बॉडी उसकी, वो छोटा छोटा हीट रैश एक्चुअली निकल गया था उसमें। तो वो अगेन एक फिर इशू हो गया कि कैसे हम करें, क्या करें ऐसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा फंक्शन होता है नामकरण का, तो वो फिर उसमें भी अगेन वो होने लगा कि ठीक है बेबी करेंगे तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं, बट होपफुली अगेन हर स्टेप में एक्चुअली दोनों ही तरफ से, हमारी तरफ से भी प्लस तेजी की तरफ से, दोनों तरफ से ही काफ़ी ऐसे हम स्ट्रांग थे, तो इसलिए हर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें
आई, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया नहीं, तो वो चीज़ भी एक्चुअली फिर हो गई थी। तो बस फिर उसका नामकरण में हमने उसका नाम रखा, और इसके बाद वाले क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, और मतलब अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आता है, एक जो मैंने आपको बोला ज़्यादा गाइनो चेंज नहीं करना है, और अगर आप स्टार्टिंग से किसी एक पे जा रहे हो तो चूज़ ही ऐसे करो, किसी से पूछो जिसकी पहले डिलीवरी हुई है कि आप कहाँ गए थे, ऐसे थोड़ा सर्च करके उसके बाद कंटिन्यू करो उसी गाइनो को। देन प्रॉपर एक्सरसाइज करना है ज़रूरी होता है, जो मुझे समझ में आया एक्सरसाइज करके, बस ये होता है कि आपकी बॉडी कंटिन्यू मोशन में है तो पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक तो बॉडी का पेन जो होता है कि एकदम से पेन होने लगा तो दर्द होने ज़्यादा कि मतलब हम क्या करें करके, वो नहीं होगा क्योंकि बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज मोड में रहती है तो बॉडी कोप अप कर लेती है छोटे मोटे जितने भी पेन होते हैं उनसे। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि आप मेडिसिन ज़रूर आप खाते रहें, कंटिन्यू करें। मेरे केस में तो मुझे वॉमिट होती थी, बट स्टिल एक अगर वॉमिट की तो मुझे दूसरी खानी पड़ती थी, बट जैसे भी करके मतलब मेरे को तो ऐसा वॉमिट होता ही था, बट ज़रूरी नहीं आपको भी वॉमिट हो, हर किसी की प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग होती है। मेरी मैं जिस हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी किसी और से किसी दूसरे से, बट हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। कोई किसी को बिल्कुल नौजिया फील नहीं होता है, बिल्कुल स्मूथली सारा ट्राइमेस्टर्स निकलते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इवन थर्ड ट्राइमेस्टर तक वॉमिटिंग होती है, तो वो हर किसी का के मदर टू मदर अलग अलग डिफरेंट होती है प्रेगनेंसी की जर्नी। और जो मुझे समझ में आता है हमारे केस में तो क्योंकि वो प्लान नहीं था, बट अगर आप प्लान कर रहे हो तो बेटर है कि आप 1-2-3 मंथ पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, प्रॉपर हेल्दी फूड खाओ, दोनों पार्टनर प्रॉपर हेल्दी फूड खाओ, जिससे मदर की जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग रहे कि वो आगे की जितनी भी चीज़ है उनसे फाइट कर सके। एंड अगर ज़्यादा घबराई नहीं, कोई कहता है अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करवाने से ये होता है, कोई कहता है नहीं करवाना है, डिफरेंट आपको इतनी सारी चीज़ें आपको सुनने में लगेंगी कि लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि करो तो करो क्या, डॉक्टर कुछ कह रहा है, घर में कुछ कह रहे हैं, होता कुछ और है, यूट्यूब में कुछ और देख रहे हो, तो लास्ट मोमेंट में आपको आपकी बॉडी के हिसाब से सुनना है। आपको पेन होता है तो बताओ घर पे या फिर डॉक्टर के पास जाओ अगर आपको पेन हो रहा है, कुछ भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है। मेरे साथ घर पे बड़े थे तो मुझे शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट कुछ जो सिंगल पेरेंट है सिंगल मदर हैं उनको हो सकता है ज़्यादा इश्यू हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कांटेक्ट करके डॉक्टर्स से कंसल्ट करते रहें बार बार, और बस ज़्यादा हेल्दी खाएं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। बेस्ट है आप म्यूज़िक सुने, लाइट इंस्ट्रूमेंटल, आई थिंक वर्डिंग से भी, मुझे तो एक्चुअली मैं जब सॉन्ग सुनती थी तो वर्ड्स वाले भी अगर कुछ सॉन्ग्स होते तो मुझे इरिटेशन, मुझे बिल्कुल ऐसा म्यूज़िक स्मूथ म्यूज़िक ऐसे ही मुझे अच्छा लगता था, तो मतलब मुझे अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं कुछ और होंगे जिन्हें ऐसा ही कुछ प्रेगनेंसी में फील हो रहा होगा, तो उनको सजेस्ट करूँगी कि आप म्यूज़िक ऐसे लाइट म्यूज़िक सुने ताकि मूड ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल ज़्यादा ना लगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको भी डिस्कस करने लगी तो वो कभी और अगर कभी जिक्र हुआ या कभी और चीज़ आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, मतलब क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता है, तो उसके बारे में बात करना वैसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा भी कुछ होता है, बट एक्चुअली ऐसा होता है। और यस, तो अगर आप बोर नहीं हुए होंगे इस वीडियो से तो जस्ट आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप दूसरों को सजेस्ट करो सब्सक्राइब करने के लिए, तो यस ऐसे ही प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें, अपना ध्यान रखें, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।